अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन अ साइज, मतलब कि उसका हाइट कितना ले लिया, 2.5 सेंटीमीटर H1, इज अ प्लेस्ड एट अ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे, 27 सेंटीमीटर, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, सो -27 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर। नाउ विच मिरर इज हियर, कॉनकेव, कॉनकेव में ऐसा होगा ना, क्लियर। और आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, उसमें आउटर सरफेस पे क्या होता है, कलर, दैट मीन्स इनर सरफेस क्या बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंट रे, और द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे डायरेक्शन आर द पॉजिटिव, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो पोल यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, इस तरह से जाओगे तो आर आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बात समझ में आई? ओके, डिस्टेंस मेजर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव क्यों हुआ, उसका फिनोमिनन बताया आपको यहाँ पे। सो दैट डिस्टेंस इज 36 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ कितना होगा, एफ इक्वल्स टू विच फॉर्मूला, आर बाई टू, आर का डिवाइड बाई टू, 36 बाई 2, 18, ओके, -18। नाउ मिरर फॉर्मूला, 1 अपन एफ इक्वल्स टू 1 अपन यू प्लस 1 अपन वी, सो 1 अपन वी इक्वल्स टू 1 अपन एफ माइनस 1 अपन यू, एफ का वैल्यू -18, यू का वैल्यू -27, माइनस माइनस प्लस, ओके, 27 और 18 का जो एलसीएम आएगा 54, कितना आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको 2 से, तो इट्स -3 और 8 2, तो -3 प्लस 2 डिवाइड बाय 54, तो -1/54 आया। रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 अपन वी का वैल्यू है तो वी इक्वल्स टू -54, अगर वो नहीं करना है तो यू कैन डू -27 प्लस 18 अपॉन 27 एंड 18 का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 18 इंटू 27, और फिर डायरेक्टली वी इक्वल्स टू आप ऐसा भी लिख सकते हो -18 इंटू 27, और -27 इसको प्लस कर दे, -27 प्लस 18 तो भी वही आएगा, 9 2 2 27। ओके, इस तरह से भी जा सकते हो, इस तरह से भी, कोई डाउट है नहीं ना। ओके, इट्स अ -54 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट अ व्हिच डिस्टेंस, जब माइनस आता है ना, दैट मींस आपको समझना है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट था वही साइड आपको क्या मिलता है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, 27 ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजदीक था तो इमेज उससे दूर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, दूर। और वैसे भी आपका फोकल लेंथ कितना था, 18 था, तो 18 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था, 36, उसके बीच में हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन व्हाट, एफ एंड सी। ओके, एफ एंड सी, एफ इज द फोकल पॉइंट, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अभी दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी कि सी कितना था, 36, 36 से दूर यानी 54 आया, 54 बड़ा, तो लॉजिकली भी सेट हो गया। अब मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, सो यू ऑलरेडी कैलकुलेट वी, वी इक्वल्स टू -54, यू इक्वल्स टू -27, माइनस माइनस फिर भी एक माइनस बच जाएगा, दैट इज 54, 27 आंसर क्या आएगा, 2, माइनस 2, मुझे एच 2 चाहिए तो एच 1 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो एच 1 मल्टीप्लीकेशन में गया, एच 1, एच 1 इंटू माइनस 2, एच 1 कितना दिया गया था, 2.5, माइनस का माइनस 2, आंसर क्या है, मतलब कि बड़ा इमेज मिलेगा, एंड लार्ज इमेज, कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी था बियॉन्ड 2C और लार्ज इमेज मिलेगा, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी यू विल गेट इमेज बियॉन्ड सी और एनलार्ज, एनलार्ज दैट मींस बड़ा, एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है ना, दैट मींस व्हिच इमेज, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज, इमेज ऑलवेज कौन सी इमेज होते हैं, रियल इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा, तो लाइक फाइनली कंक्लूजन ऐसा है, द इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ओके, तो क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइज एंड इमेज, वो भी हमने किया, आया ना। नाउ इफ कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, अब ऐसा दूसरा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसके साथ, कि अगर कैंडल को किसकी नजदीक लेके जाते हैं, मिरर,
हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव, ओके स्क्रीन कैसे मूव करना चाहिए. तो व्हेन कैंडल इज टेकन टूवर्ड्स द मिरर, दैट मीन्स कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ. अब अगर हम टूवर्ड्स द मिरर जाएंगे, दैट मीन्स कि हम किसके नजदीक जा रहे हैं, एफ की नजदीक. किसके नजदीक जा रहे हैं, एफ. देन इमेज मूव अवे एंड अवे फ्रॉम द मिरर बाय, रिमेंबर दैट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ फोकल पॉइंट एफ, वेयर इज द इमेज, इनफिनिट. ओके, तो दैट मीन्स जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे वैसे इमेज कहाँ चलता जाएगा, अवे, दूर होता जाएगा. और कहाँ पहुंच जाएगा, जैसे हमारा यू टेंड्स टू क्या हो जाएगा, एफ, मतलब कि हम एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे. तब वी कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी. व्हेन द कैंडल इज टेकन टू अ मिरर एट लेस देन 18 सेंटीमीटर, अभी भी और आगे चले गए. 18 मतलब क्या था, फोकल पॉइंट था, फोकल लेंथ, उससे भी अंदर चले गए, यानी कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, याद करो फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में हो तो मिरर इमेज के, इमेज कहाँ मिलता था, मिरर के पीछे के रीजन में, बट रियल नहीं. अब क्या आएगा, श्यूडो वर्चुअल, ओके, एज वेल एज इरेक्टेड. ओके, सो द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सो इट कैन ऑब्टेन ऑन, कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. जो वहां पे डाउट आया, क्योंकि रियल इमेज ही स्क्रीन पे ऑब्टेन किए जाते, ओके, वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन नहीं किया जाता. बोलो अप टू नाउ कोई डाउट? तो पहला एक आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इमेज का पोजीशन फाइंड करना था, उसका नेचर फाइंड करना था, दैट इज द कॉमन क्वेश्चन. आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन. उसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड किया गया था. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया था कि आपको किसके और मूव करना है, टूवर्ड्स द मिरर. तो आपको सिर्फ अपने माइंड में वो लॉजिक्स याद करने हैं जो आपने पढ़े हुए थ्योरी में. कोई डाउट है? 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. एक नीडल जिसका हाइट ले सकते हैं ना 4.5 सेंटीमीटर, विच इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर आ गया कॉन्केव की जगह पे, और ये 12 सेंटीमीटर अवे पुट करना, दैट मीन्स कि वो क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इच ऑफ केस ऑलवेज नेगेटिव. ओके, बट इन दिस इज द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान देना, इस टाइप का होता है ना, और उसमें इनर सरफेस पे क्या होता है, कलर्स होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर होता है, तो इस साइड ऑब्जेक्ट रखना है. ऑलवेज हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखने का ट्राई करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ से ऐसे इंसिडेंटल डायरेक्शन होगा, बट यहाँ पे पोल होगा और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो वही डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा ना हमें, पोल टू जाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि फोकल पॉइंट या तो फिर आर या फोकल लेंथ, बोथ आर पॉजिटिव. इन द प्रीवियस केस वो क्या थे, नेगेटिव. और मैं याद रखता हूँ ऑलवेज फिगर से, नहीं कि ऐसा याद रखता हूँ कि कॉन्वेक्स यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वो कब माइंड में नेगेटिव हो जाएगा पता नहीं चलेगा. तो फिगर समझ के काम करो, फिगर से ही क्लियरली पता चल जाएगा कि कॉन्वेक्स के लिए एफ एंड आर बोथ आर क्या होते हैं, पॉजिटिव. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इंसिडेंट रे का डिरेक्शन ऐसे है, हमें ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपोजिट डिरेक्शन में नजर करना होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज नेगेटिव. सो बोलो अब एफ इक्वल्स टू कितना लेंगे, पॉजिटिव 15, यू इक्वल्स टू माइनस 12, एंड हाइट एच वन इक्वल्स टू 4.5. ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट सीधा ही रखोगे ना, उल्टा लुटका कहीं थोड़ी ना रखोगे, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ हमें वापस वही पूछा गया, व्हाट इज द लोकेशन एंड व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, क्या कौन से दो फॉर्मूला यूज हो गए, पहले तो मिरर फॉर्मूला और दूसरा एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. ओके गुड, नाउ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर अपोजिट टू द प्रीवियस वन. प्रीवियस में क्या पूछा था, नियर, और इसमें फार्दर. ओके, तो समझते हैं, हियर द हाइट ऑफ पिन इज एच वन इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, डेटा ही है, डिस्टेंस यू कितना दिया है, माइनस 12 सेंटीमीटर, एंड एफ इक्वल टू 15. मैं सीधा सिंबल में लिखता था, इन लोगों ने थोड़ा वर्ड्स के साथ लिखा हुआ. नाउ मिरर इक्वेशन, 1 अपन एफ इक्वल टू 1 अपन यू प्लस 1 अपन वी, वी फाइंड करना है तो 1 अपन वी इक्वल टू 1 अपन एफ माइनस 1 अपन यू, एफ का वैल्यू 15, माइनस का माइनस, यू का वैल्यू माइनस 12, माइनस माइनस. ओके, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एलसीएम लिया गया है 60, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, 12 को कितने से करना होता है, 5, तो 4 प्लस 5 बाई 60, 9 बाई, उल्टा करोगे तो 60 बाई 20 बाई 33 से कट करोगे तो आंसर अल्टीमेटली कितना आने वाला है, मुझे पता है, तब तक आप ओरल कैलकुलेशन नहीं करोगे, क्योंकि यू हैव अ कैलसी,
तो आप तो कुछ ऐसा ही कुछ करोगे, 1/15 प्लस क्या है 1/12, फिर आप क्या करोगे 12 + 15/12 × 15, दिस इज द आंसर फॉर 1/v, फिर v इक्वल्स टू 12 × 15/12 + 15, ओके फिर तो आप कैल्सियम में ही करोगे, बट फिर भी अगर करना हो तो 3 × 4 = 3, 9 × 3 = 3, 3 से अगेन आ गया 20/3, सिर्फ वे चेंज किया, आंसर तो वही का वही रहेगा। सो इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव दैट मींस व्हाट, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, मिरर के बिहाइंड रीजन में मिलेगा, और कॉन्वेक्स में तो ऑलवेज ऐसा ही होगा, क्लियर। चलो सो इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, हेंस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके एंड बिहाइंड द मिरर, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करता है, आया समझ में। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, कितने केस होते हैं कॉन्वेक्स में, दो, कौन से दो, एक इंफिनिटी डिस्टेंस और दूसरा बिटवीन इंफिनिटी टू पोल पी, और कोई केस है नहीं, केस बनाओगे भी कैसे, आ गया कॉन्वेक्स, दिस वन इज द कॉन्वेक्स, बराबर, बनाओगे कैसे, बाकी सारे पॉइंट्स तो इधर है मिरर के पीछे, तो ऑब्जेक्ट आप इधर वहां रख सकते हो एट इंफिनिटी, या तो फिर कहा रख सकते हो इंफिनिटी और किसके बीच में, पी के बीच में, बात समझ में आ रही है ना। एंड दैट्स व्हाई देयर आर टू केस ओनली एंड ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज, मैं आपको थोड़ा थ्योरी भी बिल्ड कर रहा हूँ साथ में न्यूमेरिकल में, तो याद रखना, बट इन केस ऑफ कॉनकेव देयर आर सर्वल केस, क्योंकि बीच में ऐसे एफ आएगा, एक तो इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन सी, ऑन एफ, बिटवीन एफ एंड पी, क्लियर। और कॉनकेव में ऑलवेज रियल इमेज फॉर्म होता है, बट एक केस में वर्चुअल होता है, and that is between F and P. छह केसेस होते हैं उसमें, आउट ऑफ फाइव, आउट ऑफ सिक्स फाइव में ऑलवेज रियल, और एक ही केस कौन सा, F एंड P, उसमें ही कौन सा आता है वर्चुअल, और वर्चुअल में इसमें मैग्निफिकेशन M ग्रेटर देन वन रहता है, कॉनकेव में इसमें, बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन वन रहेगा, आया समझ में, कितना समझे, कॉनकेव ऑलवेज रियल इमेज फॉर्म करता है, एक ही केस में वर्चुअल फॉर्म करता है, दैट इज बिटवीन एफ एंड पी, और जब वो वर्चुअल फॉर्म करेगा मैग्निफिकेशन एम ग्रेटर देन वन आएगा, ओके कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में ऑलवेज वर्चुअल बट मैग्निफिकेशन लेस देन वन, मैग्निफिकेशन लेस देन वन मतलब छोटी चीज बताएगा, ओके तो कॉन्वेक्स वाला आपने देखा होगा वो कंपनी के गेट के बाहर बड़े मिरर लगाए जाते हैं, तो दूर से फोकस कर सकते हैं सबको, बट छोटी छोटी चीजें दिखती है, ओके चलो। तो सेविंग करने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाएगा, कॉनकेव, कॉनकेव, ओके क्या जाते हैं, नाउ 6.67 आ गया, बिहाइंड द मिरर, जब पॉजिटिव डिस्टेंस आता है इमेज तो बिहाइंड द मिरर, नेगेटिव डिस्टेंस आता है तो ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, माइनस का माइनस, v कितना मिला आपको 20/3, ये भी लिख सकते हो आप 6.67, उन लोगों ने क्या लिखा 20/3, u कितना लिया 12, आंसर कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आया 0.56, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब है वर्चुअल। नाउ m इक्वल्स टू h2/h1, ओके ये ऑलरेडी किया हुआ था, बट इन लोगों ने हाइट फाइंड करने के लिए वापस h2 का वैल्यू रखने के लिए, सॉरी माइनस v बाई यू का वैल्यू रखा, माइनस v बाई यू और v और ये रहा u, डन। इन शॉर्ट आप ये नहीं करते, ये तो ऑलरेडी कर दिया है ना, तो ये भी नहीं करते, और क्या याद रखते आप 0.56, तो h2/h1 इक्वल्स टू क्या है आपके पास 0.56, तो h2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.56 इंटू h1 और 0.56 इंटू 4.5, आंसर 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर ना। इन शॉर्ट इस पूरे को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, h2/h1 इक्वल्स टू 0.56, देयरफॉर h2 इक्वल्स टू 0.56 इनटू h1, 0.56 इनटू 4.5, आंसर इज 2.52 सेंटीमीटर। ओके सो व्हेन, ओके अब सेकंड लॉजिकल क्वेश्चन, व्हेन पिन टेकन अवे फ्रॉम मिरर एफ देन इमेज विल बिकम स्मॉलर, ओके इंफिनिटी डिस्टेंस पे होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का होता है इंफिनिटी डिस्टेंस पे,
तो इमेज कैसा होता था? पॉइंट लाइक। लाइक तो जैसे 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 दूर जाओगे, इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे, इमेज कैसा बनता जाएगा? स्मॉल पॉइंट लाइक स्मॉलर बनता जाएगा। अप टू नाउ कोई डाउट? द टैंक इज फिल्ड विद द वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द अपीरेंट डेप्थ ऑफ नीडल लेइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय द माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू अ सेम हाइट, देन व्हाट सॉरी सेम हाइट बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी अ मूव टू अ फोकस ऑन नीडल अगेन? ओके, सो इसमें हमें क्या यूज करना है? माइक्रोस्कोप यूज करना है। एक टैंक जो किससे फिल्ड है? पहले वाटर से। कितने हाइट तक? ओके, द एपिरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल, तो वो वाला स्यूडो हाइट एंड रियल हाइट जो हमने बात की थी स्विमिंग पूल वाली, जाते वक्त स्विमिंग पूल का जो लेयर है थोड़ा ऊपर आ गया दिखता है, बट रियल हाइट थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, रियल डेप्थ एंड स्यूडो डेप्थ। ओके, तो वो वाली बात है कि एपिरेंट डेप्थ कितना है नीडल का? नीडल लेइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप, और वो कितना मिला हमें? 9.4 सेंटीमीटर मिला। अब अगर हम रिफ्रैक्टिव, तो हमें वहां से पता लगाना है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। नाउ अगर वो क्वेश्चन नहीं हो और फिर भी पूछा गया हो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो याद है आपको, तो आंसर वही आना चाहिए। ओके, तो पहले वो गोल डिसाइड हो गया कि क्या लाना है। नाउ नंबर टू, इफ वाटर इज रिप्लेस विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 एंड अप टू सेम हाइट, मतलब 12.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू अ फोकस ऑन नीडल अगेन? सो डेप्थ, रियल डेप्थ इक्वल्स टू हाइट अप टू विच वाटर इज फिल्ड। एक्चुअली में रियल तो उतना ही है ना, वाटर सरफेस से कितना नीचे है, तो जितना हमने क्या फिल किया है, लिक्विड फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है, तो रियल डेप्थ को एच बोलते हैं, या तो फिर यू कैन से एच ओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? 12.5 सेंटीमीटर। और अपीरेंट डेप्थ आपको माइक्रोस्कोप में कितने दिखा, वो कितने हाइट पे दिखा? 9.4। माइक्रोस्कोप से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि थ्योरी में भी माइक्रोस्कोप आता है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यूज करना है, वो वाला फॉर्मूला नहीं है इसमें, सिर्फ वो ही वाला ऐसा बताया था ना, एच आई अपन एच ओ इक्वल्स टू एन, जहां से देखते हैं वो मीडियम डिवाइड बाई जिसमें दिखते हैं वो मीडियम, ऐसा एक फॉर्मूला बताया था मैंने। एच आई अपन एच ओ इक्वल्स टू क्या याद रखना है? एन ऑफ जिसमें से ऑब्जर्वेशन करते हैं वो मीडियम, और जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं वो मीडियम। तो एच आई कितना है आपके पास? 9.4 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? एच आई अपन एच ओ, तो एच आई अपन एच ओ एन, जिसमें से ऑब्जर्वेशन करते हैं वो मीडियम। मानो कि किसमें से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम? एयर में से, तो एन ए ऊपर आएगा, और जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो मीडियम, तो क्या आएगा? एन डब्ल्यू। क्या आएगा? एन डब्ल्यू। हमें क्या फाइंड करना है? एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू इधर जाएगा, तो एन ए एच ओ कहा जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में एच आई कहा जाएगा नीचे। एन ए कितना? 1, एच ओ कितना? 12.5, और एच आई कितना? 1.4 नीचे एच आई, एच आई कितना है हमारे पास? 9.4। व्हाट इज द आंसर? 1.329 आ गया अप्रोक्सी, 1.33 आया ना। देन बोलो कोई डाउट? मैंने मेथड चेंज कर दिया, अंदर दिखा भी नहीं, आपको यहां से ही कर लेना है जिस टाइम जैसे मैंने सिखाया। एच आई अपन एच ओ क्या याद रखोगे? एन जिसमें से ऑब्जर्वेशन कर रहे डिवाइड बाय एन जिसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे। अब देखो सेकंड में, सेकंड टाइम आपको वैसा ही पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू वापस एच आई अपन एच ओ, अब इसमें ऑब्जर्वेशन कहां से करने वाले? एन ए, और कहां पे ऑब्जर्वेशन कर रहे? ऑयल में, वाटर रिप्लेस विथ ऑयल। तो देयरफॉर एच आई अगर आपको चाहिए, तो एन ए अपन एन ओ इंटू एच ओ, एन ए कितना है? 1। एन ओ ऑयल के लिए कितना दिया गया है? 1.63, और एच ओ 12.5 है। गिव मी आंसर। 6.68 सेंटीमीटर, एंड दैट्स व्हाई हमें 9.4 पहले था,
फोकस क्या आगे गया था 9.4 पे, और 9.4 अब कितना हो गया 7.7, तो कितना हो गया डिफरेंस। तो हमें हमारे माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा 1.7 सेंटीमीटर टू फोकस। फिगर 9.34 ए एंड बी शोज रिफ्रैक्शन ऑफ रे इन एयर इंसिडेंट एट द एंगल 60 डिग्री। देखो एयर कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है, 60 डिग्री, विद द नॉर्मल टू द ग्लास एयर एंड वाटर एयर इंटरफेरेंस। पहले ग्लास एयर है फिर वाटर एयर है रिस्पेक्टिवली, पहले भी 60, यहाँ पे भी 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी एयर में से ग्लास में जा रहा है, यहाँ पे एयर में से कहाँ जा रहा है वाटर। वो कैसे पता चला, ड्यू टू दी एरो। आया समझ में। नाउ प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन अ वाटर इज, अब वाटर में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया है 45, तो ग्लास में आपको क्या करना है प्रिडिक्ट करना है कि कितना होगा विद द नॉर्मल टू अ वाटर ग्लास इंटरफेरेंस। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्नेल्स को अप्लाई करो सब जगह पे, 3 टाइम्स स्नेल्स को अप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले बार में स्नेल्स को अप्लाई करेंगे तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाने से अच्छा है हम क्या बोले, अभी देखो इन लोगों ने साइन आई अपन साइन आर बोला है ना, पहले हमें लिख रहा हूं यहाँ पे, तो N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। नाउ बट ध्यान देना शांति से, यहाँ पे ध्यान दो पहले, N1 sin I N2 sin R, तो साइन आई के साथ जो मीडियम होता है ना दैट इज N1। ओके तो मतलब कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ये हुआ तो उसके साथ कौन सा मीडियम है एयर, तो यहाँ पे Na आएगा। ओके और यहाँ पे कौन आएगा ग्लास यानी कि NG। क्लियर हुआ यहां तक, और इसीलिए आपको यहाँ पे एनजी माइनस सॉरी एनजी डिवाइड बाय एनए, एनए उधर गया तो साइन आर कहाँ जाएगा नीचे, तो एनजी अपन एनए इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। साइन आई कितना था, आर कितना है, दोनों के वैल्यूज कहाँ से मिलेंगे साइन टेबल से। ओके तो साइन 60 तो √3/2 आएगा 0.8660। ओके आपको सीधा टेबल से ही लेना है। 35 कितना आएगा 0.5736, दोनों का रेशियो कितना आया, याद है क्लियर हुआ। सिमिलर वे वापस यहाँ पे लगाएंगे हम, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कौन सा है 60 वापस, और एयर तो एन ए और यहाँ पे एन डब्ल्यू, तो वापस वही इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे NA sin I इक्वल्स टू NW sin R। रिफ्रेक्टिव रिलेटिव इंडेक्स में जाने की जरूरत नहीं है उसके जगह पे, ओके एन डब्ल्यू है ना, तो हम करेंगे NW upon NA। ये NA उधर ले गए तो साइन आर कहा जाएगा, तो साइन आई अपन साइन आर, साइन 60 अपन साइन 47, साइन 60 अगेन रिमेन सेम 0.8660, साइन 47 6561। रेशियो कितना आया 1.32, याद है क्लियर हुआ। नाउ आपको यहाँ पे मिला NG upon NA। नाउ थर्ड फिगर देख के इंसिडेंट एंगल कहाँ पे, यहाँ पे तो क्या है NW, यहाँ पे क्या है NG। आपने यहाँ पे NG upon NA फाइंड किया, यहाँ पे NW upon NA फाइंड किया, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा NG upon, देखा जिस मीडियम में जा रहा था उसको ऊपर रखा और जिसमें से जा रहा था उसको नीचे रखा, तो इसमें इसमें से जा रहा है NW में से, तो उसको नीचे रखे। इन शॉर्ट आपको फाइंड करना है NG upon NW, तो व्हाट यू विल डू NG upon NA into NA upon NW। आया समझ में, मैंने क्या किया एनजी को एनए से डिवाइड किया, एनए से मल्टीप्लाई किया तो एनजी अपन डब्ल्यू बचेगा ना। नाउ एनजी अपन एनए को क्या बोल सकते हैं, कितना वैल्यू आया आपके पास, इट्स अ 1.51 इनटू, इसको 1 upon NW upon NA बोल दे, एनए कहाँ ले आए नीचे, तो NW upon NA का वैल्यू कितना आया आपके पास 1.32, सो इट्स अ 1.51, डिनोमिनेटर में 1.32, आंसर कितना आया 1.144, 39 आया था 1.1439, दैट मीन्स 1.144। अब हम वापस रूल लगाएंगे, कहाँ पे है इंसिडेंट मीडियम NW, तो क्या लगाएंगे NW sin I इक्वल टू सामने ग्लास था NG sin R, हमारे पास किसका वैल्यू है NG upon NW, तो sin I upon sin R इक्वल टू NG upon
ओके हम इसको डायरेक्ट लेके करते ना तो भी हो जाता। ओके इन शॉर्ट मैं थोड़ा चेंज ही कर देता हूँ, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे साइन आर चाहिए ना, क्या चाहिए? तो साइन आर का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, एन जी नीचे जाएगा तो एन डब्ल्यू अपन एन जी इंटू वॉट साइन आई। नाउ लिसन, एन डब्ल्यू अपन एन ए हमारे पास है तो एन ए से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया इंटू साइन आई, तो इट्स एन डब्ल्यू बाय एन ए। डिनोमिनेटर में ये एन ए को नीचे ले जाओ तो एन जी अपन एन ए इंटू क्या आ गया, तो एन एन डब्ल्यू बाय एन ए का वैल्यू आपको पता है कितना है, और इसमें एन जी अपन एन ए का वैल्यू पता है कितना है, तो ऊपर रख दू 1.32, नीचे रख दू 1.51, और साइन आई का वैल्यू कितना है अभी के लिए 45। 60 मत लेना, दो जगह पे 60 है इसलिए कंफ्यूज करने के लिए थर्ड में 45 कर दिया, ताकि आप जानबूझ के क्या ले लो 60 ले लो, दो में 60 लिया इसलिए गलती नहीं करना है। साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1.32 डिवाइड बाय 1.52 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट इक्वल्स टू 61406। चलो इसके लिए एंगल देखो, एंगल देखने के लिए चार डिजिट चाहिए, तो 6 है तो आगे एक ऐड कर दो 0.6141। हाँ दिखा रहा हूँ, 6141 चाहिए ना, और वो भी साइन में, किसमें चाहिए तो यहाँ पे देखते जाओ 4650 51, 6141 था ना, तो ये 6061 57 बढ़ गया, तो इस लाइन में आगे बढ़ो 6111568843 बढ़ गया, तो यहाँ पे आओ 29 29 में कितने ऐड करेंगे तो 41 पे आएंगे, तो पहले दो करेंगे तो 31 12 कितने करने पड़ेंगे 12, इसके 12 12 वाला ही रहा, तो 12 में कितना है पीछे 5 होगा, इस लाइन में ऊपर देखोगे आप तो ऊपर क्या आया 5, और यहाँ पे थे आप इरा, तो इस लाइन में ऊपर देखोगे आप तो 48 कितना है 48 एंड 5 53 कितना होगा 53, और ये लाइन कौन सा था 37 तो 37 डिग्री 53 मिनट्स। नाउ लिसन लिसन केयरफुली, ये रूट टू का अगर पूरा वैल्यू ले रहे हैं ना देन देयर इज अ सम पॉइंट मिस्टेक्स। ओके तो ए वाला फॉलो नहीं करेंगे, और वैसे भी हम साइन का टेबल दिया ही होगा हमें, और साइन यूज कर रहे हैं तो 1.32 1.52 साइन 45 चाहिए ना, तो साइन 45 यहां से ही ले लो 0.7071, तो वो वैल्यू लोगे तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा। ओके 0.7071 तो ये वाला मैच हो गया, देन यू विल हैव 0.6181, तो 0.6181 वाला देखना है आपको तो इसी में देखो 6181, यहाँ पे 70 है, 70 में कितना ऐड करना पड़ेगा 11, 11 वाला 5 होगा लास्ट लाइन 5, और ये 70 है उसका है आपको 6, 6 एंड 5 11, और सामने आपको मिलेगा 38, तो इट्स अ 38 डिग्री। ओके पहले आएगा आपका 38 डिग्री 11 मिनट्स, अब 11/60 करो 0.18, हाँ तो 0.18 हुआ उसका डिग्री में, और ये 38.18 डिग्री, और 0.18 को क्या बोल दिया 0.2, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो 0.18 आया, ऐड कर दो 38 में, क्लियर।